ॐ नमः सिद्धेय ॐ नमः सिद्धेय ॐ नमः सिद्धेय ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयरियौ वज्राय साहुगणे वंदीय सम्मदंसन चरितलद्धिं परुवेमो सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से जो संस्कृत टीकाएं बनी थी उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ की ढूंढारी भाषा में रचना की। उसी भाषा टीका का यह हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। यहाँ पर अपनी बात तो क्षपक श्रेणी संबंधी चल रही थी। हमने देखा था कि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी, तद्भव मोक्ष गामी है और उसने आयु का बंधन नहीं किया है, ऐसा जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। वो अर्लीएस्ट कब चढ़ सकता है, कितनी उम्र में क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, 8 वर्ष के बाद वो संयम धारण करेगा और फिर अंतर्मुहूर्त में क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो इतना लंबे काल तक क्षपक श्रेणी में ही रहेगा ना, करोड़ पूर्व तक तो क्षपक श्रेणी में रहेगा, तो अधिक काल कहाँ बिताएगा, क्योंकि श्रेणी का काल तो अंतर्मूर्त है। बहुत अच्छा, अरिहंत अवस्था में ये सब काल बिताएगा, क्योंकि श्रेणी के लिए तो अंतर्मूर्त ही लगना है। वो कभी भी श्रेणी प्राप्त करे, आयु के अंत में करेगी, 13वें गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त होगा, और शुरू शुरू में वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो 13वें गुणस्थान में रहेगा वो, उसका काल। समझ में आती बात? तो ये तो कौन क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसकी बात हमने देखी है। नहीं, 8 वर्ष का भले हो, पर अवगाहना अभी जो भरत चक्रवर्ती के आदिनाथ के समय में जो 8 वर्ष का बालक होगा उसकी भी अवगाहना थोड़ी 3.5 साल की होगी, उसके प्रपोर्शन में होगी। हमारे जो बालक है 8 वर्ष के, उनकी जितनी अवगाहना है उतनी होगी, अवगाहना से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, परंतु वो चौथे काल के अंत में जो अवगाहना छोटी होती है वहाँ की बात होगी, वो है। चलिए, हाँ, नहीं, वो देह की अवगाहना की बात करें। हाँ, तो अभी हमने देखा ये कौन प्रारंभ करता है उसकी बात हमने देखी है। क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं क्षपणाधिकार के, कौन कौन से देखे थे हमने अधिकार? हाँ, आपके पास चार्ट है ना। पहले अधप्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण। अब अनिवृत्तिकरण में हमने बहुत सारे अन्य अन्य बातें होती है उसको देखा था। क्या लिखा था वहाँ पर? स्थितिबंधापसरण हमने देखा, बंध कैसे घटता जाता है, स्थितिबंध में जो क्रमकरण होता है उसको देखा। यह क्षपक श्रेणी में एक और विशेष बात होती है, स्थिति सत्व का भी अपसरण होता है, और उस अपसरण के भी यहाँ हमने पर्व देखे कि शुरू में पल्य तक क्या होता है, फिर दुरापकृष्टि, और फिर आगे भी हीन हीन हो जाता है सत्व, यानी संख्यात वर्षों का होगा, फिर अंत में आवली प्रमाण रह जाएगा। ऐसे ही
और क्या क्या बातें होती है यहाँ पर, विशेष बातें? हाँ, क्योंकि ये क्रमकरण के बाद देश घातीकरण होता है, वो भी हमने देखा था। 8 कषायों की क्षपणा होती है और 16 प्रकृतियों का भी क्षय हो जाता है। क्षय का प्रोसेस क्या देखा था कि संक्रमण होकर क्षय होता है। संक्रमण किसमें होता है? 8 कषायों का संक्रमण किसमें होगा? यहाँ बंधने वाली में। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ कौन सी प्रकृतियाँ बन रही है? पुरुष वेद और संज्वलन की 4, तो 8 कषाय इनमें संक्रमित होकर नष्ट हो गए, वो उनकी क्षपणा हो गई। दर्शनावरण की 3, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, उनका संक्रमण किसमें होगा? 4 में के 6 में, 6 में, 6 का बंद नहीं है, 4 का बंद है, क्योंकि निद्रा प्रचला के बंद विच्छित्ति 8वें के पहले भाग में हो गई। अभी दर्शनावरण 4 ही बंद रहे हैं, उन 4 में इसका संक्रमण होगा। और बाकी नाम कर्म की 13 प्रकृति है, वो नाम कर्म की अन्य बंधने वाली प्रकृतियों में संक्रमित होकर वहाँ उसकी भी क्षपणा पूरी हो जाती है। इस तरह हमने देखा था। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अंतर करने के पहले ये बात हुई थी ना सारी। उसके बाद हमने देखा था कि अंतर किया जाता है, कितनी प्रकृतियों में अंतर होता है? 13 में, और उसमें उदय रूप 2 है। हमने मान लिया कि पुरुष वेद का उदय चल रहा है और संज्वलन क्रोध का है, तो 2 तो उदय रूप जो प्रकृति है उसकी प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण छोड़कर उसके ऊपर के निषेकों का अभाव यानी घात किया जाता है। यानी जितनी प्रथम स्थिति बनाई ना उससे भी संख्यात गुणा अंतर है, अंतर बहुत बड़ा है ऊपर, और उसके ऊपर जो रहेगी उसको हम कहेंगे द्वितीय स्थिति। इसके आगे जितने कार्य हम देखेंगे वो सारे द्वितीय स्थिति में होंगे। अब पूर्व स्पर्धकों की रचना कहो, कृष्टीकरण कहो, ये सब द्वितीय स्थिति में पड़े हुए परमाणुओं में बातें होती है। और जो प्रथम स्थिति में जो प्रथम स्थिति बनती है वो तो क्रम से उदय में आने का वहाँ कार्य होता है, यानी जो संक्रमण होने का कार्य है, जो अन्य जो कोई कार्य बनता है यहाँ कृष्टि करने का, अपूर्व स्पर्धक का, वो कहाँ बनेगा? द्वितीय स्थिति में। जिसकी जिसकी प्रथम स्थिति बनी है वो क्रम से उदय में आकर खिर जाएंगे। द्वितीय स्थिति में से परमाणु नीचे प्रथम स्थिति में आते ही रहते, भले अंतर करने के नीचे अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापी है और वहाँ तो गुणश्रेणी रूप से रचना हुई है, उसी में प्रति समय ऊपर से अपकर्षित द्रव्य दिया जाता है, क्योंकि निर्जरा का यही तो प्रोसेस है। और बाकी ऊपर का बाय दैट टाइम संक्रमित होकर नष्ट भी हो रहा है, यानी सभी एक ही समय में ये सभी बातें चलती हैं। सामान्य अपकर्षण भी होता है, स्थितिकांडक घात भी होते हैं। स्थितिकांडक घात के द्वारा क्या होता है, स्थिति घटती चली जाती है। उसी समय गुण संक्रमण का भी कांडक रूप से गुण संक्रमण चलता है, जो जो प्रकृति वहाँ क्षय होने को चालू होती है उसका कांडक रूप से संक्रमण होकर वो नष्ट हो जाती है। तो हमने देखा था कि अंतर रहित हो यानी अंतर किया जाता है, और अंतर का द्रव्य कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो जो उदय रूप प्रकृतियाँ नहीं है उनका अंतर का द्रव्य प्रथम स्थिति में दिया जाएगा तो उदय रूप में दिया जाएगा। द्वितीय स्थिति में उनका द्रव्य दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। यदि उनका अपना बंध है तो दिया जाएगा, जैसे संज्वलन मान माया लोक का, और अपना बंधन नहीं हो रहा है तो बंधने वाले में दिया जाएगा, अपनी प्रकृति में नहीं दिया जाएगा। जैसे स्त्री वेद, नपुंसक वेद, उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है तो उनके परमाणु ऊपर चले जाएंगे पुरुष वेद और 4 संज्वलन में। इसकी तो हमने विस्तार से बात की थी कौन से परमाणु कहाँ दिए जाते हैं। अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, वहाँ से क्या क्या बातें होती है, वो 7 कर्ण युगपत चालू हो जाते हैं, याद है ना? 7 कर्ण, मोनिका बंदर उदय एक स्थानीय लता समान होता है, उसका भी स्थिति बंध 1000 संख्यात 1000 वर्षों का होने लगेगा।
फिर यहाँ से आनुपूर्वी संक्रमण होने लगता है, नपुसक वेद की क्षपना यहीं से शुरू हो जाएगी और वो छः आवली के बाद उदीर्णा चालू हो जाएगी। अब यहाँ नपुसक वेद की क्षपना प्रारंभ होती है तो एक अंतर्मुहूर्त में नपुसक वेद की क्षपना होती है, क्या अर्थ क्या है? नपुसक वेद के परमाणु, अभी हमने जो बात देखी है तो पुरुष वेद का उदय है, नपुसक वेद का उदय नहीं है ऐसे जीव की बात चल रही, उसकी तो प्रथम स्थिति है ही नहीं है। द्वितीय स्थिति में नपुसक वेद के परमाणु पड़े हैं, उनका क्या होगा? तो गुण संक्रमण होगा और कांडक रूप से एक एक कांडक नष्ट होगा, वो सारे पुरुष वेद में संक्रमित होकर नष्ट हो गए, एक कांडक फिर दूसरा कांडक फिर तीसरा कांडक, इस तरह से अंतिम कांडक करीबन वो असंख्यात वर्षों का होता है, वो सारा का सारा पुरुष वेद रूप से होकर नष्ट हो जाएगा। यहाँ उच्चिष्ठावली रहने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ये सारा ही संक्रमण द्वितीय स्थिति में ही चल रहा है, जिसका नीचे उदय होता है उसकी उच्चिष्ठावली रहती है, ये तो नीचे आए ही नहीं थे परमाणु, जो आवली मात्र रहे थे वो तो निकल गए थे। तो इस तरह से नपुसक वेद की क्षपणा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? स्त्री वेद की क्षपणा शुरू हो जाती है, यानी स्त्री वेद के परमाणु भी वो कांडक रूप से संक्रमित होकर पुरुष वेद रूप हो जाते हैं, एक कांडक दो कांडक इस तरह से चालू हो जाता है। इसी काल में क्या होता है? तीन घाती कर्मों का जो बंध है वो संख्यात वर्षों का यहाँ हो जाता है, संख्यात हजार वर्षों का। और भी वो एक स्थानीय अन्य भी प्रकृतियों की बात होती है, यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने देख लिया है उसको। तो स्त्री वेद की क्षपणा पूरी होती है, उसके बाद क्या होता है? पुरुष वेद सहित चढ़ने वाला जीव है तो हास्यादि छह और पुरुष वेद की क्षपणा, क्षपणा यानी संक्रमण शुरू करता है। किसमें संक्रमण होगा उसका? हाँ, संज्वलन क्रोध में संक्रमण होना चालू हो जाता है। तो जब पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय, जो पहली स्थिति स्थापित थी, वो घटते 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 अभी आवली और एक समय बाकी रहा, वह पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय है, क्योंकि इसके बाद आवली प्रमाण जो रहेगा उसका, वो अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे, यानी पुरुष वेद का उदय वहाँ नहीं रहेगा, जो उच्चिष्ठावली रहती है उसका उदय नहीं रहेगा, वो संज्वलन क्रोध रूप होकर एक एक निषेक उदय में आने वाला है। यानी जब आवली और एक समय इतना बाकी रहता है तभी पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय है और वहीं तक पुरुष वेद का बंध भी है, इसके आगे पुरुष वेद का बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है। तो यहाँ उसका बंध कितना देखा था हमने? मिनिमम 8 वर्ष। वो एक समय कम दो आवली, वो नवक समय प्रबद्ध की बात, जो अंत में बंधे हुए बाद में जो संक्रमित हो गए उसकी बात है। यहाँ तो पुरुष वेद के अंत समय में, यहाँ तो बंध कितना हुआ? पुरुष वेद का 8 वर्ष और संज्वलन 4 का 16 वर्ष, यहाँ तक उसकी बात हमने देखी थी। तो ये पुरुष वेद के यहाँ तो 6-9 कषाय का तो कार्य पूरा हुआ संक्रमण होने का, क्योंकि उसका ना बंध था ना उदय था, वो द्वितीय स्थिति में पड़े पड़े उसके सारे ही संक्रमित हुए। परंतु पुरुष वेद का बंध अंत समय तक था, इसलिए अंत के एक समय कम दो आवली काल में जो जो बंधे थे उनका संक्रमण अभी बाकी है, वो आगे संज्वलन क्रोध के संक्रमण काल में, अभी संक्रमण तो उसका बाद में होगा, अभी जो अपगत वेद होने पर अन्य अन्य क्रियाएँ चालू हो जाएगी, अश्वकर्ण क्रिया वगैरह, तो एक समय कम दो आवली काल में उसका संक्रमण पूर्ण हो जाएगा, वो संज्वलन क्रोध रूप से परिणमित हो जाएंगे। कहाँ की बात है? द्वितीय स्थिति की, क्योंकि नया बंध हुआ था उसके समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में पड़े। अब उसके बाद ये जीव अपगत वेदी हुआ, अपगत वेदी होते ही यहाँ कौन कौन से प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं? अश्वकर्णकरण यहाँ प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से अपूर्व स्पर्धक की रचना भी शुरू हो जाती है। अश्वकर्णकरण किस विधि से होता है? तो एक पहला अनुभाग कांडक ऐसा होता है हीनाधिक, उसके द्वारा अब तक जो अनुभाग का जिसको कहेंगे अल्प बहुत्व, मान में अनुभाग अल्प था तो स्पर्धक कम थे, उससे क्रोध में ज़्यादा, उससे माया में ज़्यादा और उससे लोभ में ज़्यादा, यानी क्रोध में जितने थे मान में कम थे, फिर माया में ज़्यादा थे और फिर लोभ में ज़्यादा थे। अब ये जो क्रम है वो बदल कर
क्रोध में सर्वाधिक अनुभाग रहेगा, उसके अनंत वे भाग प्रमाण मान में, उसके अनंत वे भाग प्रमाण माया में और उसके अनंत वे भाग प्रमाण लोभ में रहेंगे स्पर्धक। स्पर्धकों की संख्या को और अनुभाग का प्रमाण को एक ही बात है। तो इस तरह से जो पहला कांडक होगा उसका प्रमाण भी हमने मान लिया था, हमने तो मान लिया था कितने स्पर्धक थे, तो मान में 512 थे, क्रोध में 515 थे, माया में 518 थे और लोभ में 521 से मान लेते हैं हम। तो एक एक कांडक इतना बड़ा हो जाता है कि क्रोध को 350 से कुछ कहे थे ना हमने, तो रिमेनिंग कितने 128 बच जाते हैं। फिर मान में इतना बड़ा कांडक हो गया 480 का, तो उसके कितने बचे 32 बचे। माया में कितने का हुआ 510 का, तो उसके कितने बचे 8 बचे। और लोभ में 519 का, उसके 2 बचे। ये तो हमने काल्पनिक संख्याएं लेकर समझा इसको, मूल में तो उनके अनंतों की संख्या होती है। यानी इस तरह से अनुभाग की रचना हो जाती है। पहले कांडक में ये कांडक तो शुरू तो हो गया परंतु वो समाप्त होगा तब जाके अनुभाग की ऐसी ऑर्डर बन जाएगी, ऐसा क्रम बन जाएगा। तो ये जब तक हो रहा है अश्वकर्ण की बात, उसी समय पहले ही समय से अपूर्व स्पर्धकों की रचना शुरू हो जाती है। ये कहाँ पर कार्य हो रहा है, द्वितीय स्थिति में। अभी प्रथम स्थिति तो पूर्व स्पर्धकों की है, यहाँ पर पहली जो स्थिति बनी थी तो पूर्व स्पर्धक रूप से थी, द्वितीय स्थिति में अपूर्व स्पर्धक बनने का कार्य होता है। पूर्व स्पर्धकों का हमने स्वरूप देखा था, जघन्य स्पर्धक से लेकर अपने अपने जो अनंत स्पर्धक होते हैं, और यहाँ जो अनुभाग कांडक के बाद जो बचेंगे जैसे 128 32 8 2 हमने देखे थे, उस प्रपोर्शन अनंतों में जो कुछ रहेंगे वहाँ पर, उसके सबकी नीचे की लेवल जघन्य स्पर्धक एक लेवल पर है। अभी तक मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अभी तक की अवस्था में उस जघन्य स्पर्धक से कम अनुभाग किसी परमाणु में नहीं था। अब यहाँ से क्या कार्य होगा, तो कितने ही परमाणु अपना अनुभाग घटकर वहाँ नए स्पर्धक बनेंगे, जघन्य स्पर्धक से भी नीचे अनंत गुणाहीन अनुभाग वाले यहाँ स्पर्धकों की रचना होगी। एक समय में ऐसे अनंत स्पर्धक बनेंगे, जघन्य स्पर्धक से नीचे, हम ऊपर से नीचे देखें, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे नीचे नीचे चले जाओ, तो यानी इतने परमाणुओं का अनुभाग कम होगा। यानी परमाणु छोड़कर नहीं गए, कुछ नए नहीं आए हैं, परंतु जो पुराने अनुभाग वाले, अधिक अनुभाग वाले थे परमाणु, उनका अनुभाग जघन्य स्पर्धक से भी अनंत गुना घटकर अपूर्व स्पर्धक रूप से रचना होती है। उनमें भी अनेक वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे, यानी बाकी उसका स्पर्धक का जो हम स्ट्रक्चर कहेंगे, उसकी जो रचना है वो तो वैसे ही है। डिफरेंस क्या हुआ, अभी तक इतने मंद अनुभाग वालों की कभी स्पर्धक रचना नहीं हुई थी, वो अब जाके बनेगी। परमाणु तो वही है परंतु उनका अनुभाग इतना घटेगा। पहले समय में जितने अनंत हुए, दूसरे समय में भी अनंत होते परंतु वो हीन होते, कम संख्या में, असंख्यातवे भाग प्रमाण इतने स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक दूसरे समय में हो गए, फिर तीसरे समय में, चौथे समय में ऐसे अपूर्व स्पर्धकों की रचना चालू हो जाती है। प्रथम स्थिति में तो पूर्व स्पर्धक थे, अभी कुछ अपूर्व स्पर्धक भी नीचे आएंगे, क्योंकि हमने देखा था आगाल प्रत्यागाल चलता रहता है वहाँ पर, वहाँ तो बंद तो अभी भी पूर्व स्पर्धक जैसा हो रहा था। तो ये जो परमाणु नीचे आते तो वहाँ पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से जो यथायोग्य उसका उदय चलता रहेगा। पहले में जो गुणश्रेणी बनी थी, प्रथम स्थिति थी, वही चल रही है जब तक अपूर्व स्पर्धक रचना का कार्य पूरा हुआ। ये अपूर्व स्पर्धक किस में बने, तो सभी में बने, क्रोध में भी, मान में भी, माया में भी और लोभ में भी। क्रोध में कम बने, मान में उससे ज़्यादा बने, माया में उससे भी ज़्यादा बने और लोभ में उससे भी अधिक। अभी अपूर्व स्पर्धकों की जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका अनुभाग और घटा है, क्योंकि हमने देखा है वो लाइन के नीचे चले गए थे वहाँ, कल हमने आपको बताया था, यहाँ पर जघन्य स्पर्धक से नीचे जितने अधिक स्पर्धक हो गए यानी उसका अनुभाग ज़्यादा घटा है उसका। यानी अभी लोभ में सबसे हीन अनुभाग है,
उससे अधिक माया में, उससे अधिक मान में, उससे अधिक क्रोध में। ये तो अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई। अब इसके आगे क्या होता है कि जो द्वितीय स्थिति में अभी जो अपूर्व स्पर्धक बने हैं उसका अनुभाग और अनंत गुना घटता 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 चला जाता है। अभी तक तो हम वर्गणा और स्पर्धक नाम देते थे उसको, अब इतना अनुभाग घटेगा कि उसका नाम अभी क्या होगा, कृष्टि। उसको बादर कृष्टि कहेंगे क्योंकि आगे चलकर सूक्ष्म कृष्टि होने वाली है। तो ये बादर कृष्टि होती है तो क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले जीव को क्रोध की तीन, मान की तीन, माया की तीन और लोभ की तीन, इसको कहेंगे ऐसी संग्रह कृष्टि, तीन तीन होती है। संग्रह कृष्टि का अर्थ होता है कृष्टियों का समूह। जैसे हमने वर्गणा के समूह को यहाँ स्पर्धक कहा था, परंतु स्पर्धक तो अनंतों में होते हैं, परंतु यहाँ कृष्टियों के समूह को संग्रह कृष्टि कहा, परंतु वो तीन तीन होती है, क्रोध की तीन, संग्रह कृष्टि हरेक की तीन तीन। यानी अभी सबसे हीन अनुभाग किसमें है, तो लोभ की सबसे नीचे की जो प्रथम संग्रह कृष्टि है उसमें अनुभाग सबसे हीन है। कृष्टि किसे को कहते हैं, हमने कृष्टि किसको कहा था, जैसे वर्गणा के एक वर्गणा से दूसरे वर्गणा में अनुभाग एक से ज़्यादा होता था, अब एक कृष्टि से उसके ऊपर की दूसरी कृष्टि में अनुभाग अनंत गुना वाला है, अनंत गुना बढ़ना, अनंत गुणा कह दी ना, अनंत गुणा हीन नहीं कहा, अनंत गुणा कहा। जैसे हम चार गुणा कहते हैं तो क्या कहते हैं, चार से गुणा करते हैं, यह अनंत गुणा। यानी नीचे के कृष्टि में जितना अनुभाग है, दो नंबर की कृष्टि में उससे अनंत गुणा, तीन नंबर की कृष्टि में उससे भी अनंत गुणा, चार नंबर की कृष्टि में उससे भी अनंत गुणा। ये अनंत गुणा, गुणा वाला जो गुणकार है उसका प्रमाण भी बढ़ता जाता है। ये कल आपको दिखाया था थोड़ा नमूना है ना, दो गुना, फिर चार गुना, फिर आठ गुना, इस तरह से ये गुणकार का हमेशा क्या है, दो गुना दो गुना दो गुना बढ़ता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर विशेषता क्या है, जैसे ऐसा नहीं कि पहले से दूसरा दो गुना और दूसरे से तीसरा फिर उस और दो गुना, ऐसा नहीं है। पहले से दूसरा दो गुना, दूसरे से तीसरा चार गुना, तीसरे से चौथा आठ गुना, इस तरह से ये गुणित प्रमाण जो है वो गुणकार का प्रमाण भी अनंत गुना बढ़ता चला जाता है। हमने केवल दो गुना करके आपको दिखाया था यहाँ टेबल कि कितना बड़ा गुणकार होता है। तो ऐसे एक संग्रह कृष्टि हुई, एक संग्रह कृष्टि में कितनी कृष्टियाँ होती है अंदर की, अनंत। तो अनंत कृष्टियों की एक संग्रह कृष्टि, फिर उससे ऊपर बहुत बड़ा गुणकार बीच में चला जाता है, इसलिए आगे की कृष्टि को दूसरी संग्रह कृष्टि में बताएंगे, फिर दूसरी संग्रह कृष्टि में अनंत कृष्टि, फिर उससे ऊपर और बहुत बड़ा गुणकार करके तीसरी संग्रह कृष्टि, उसमें भी अनंत कृष्टियाँ। ऐसे नीचे लोभ की, फिर माया की, फिर मान की, फिर क्रोध की, और हम नीचे से ऊपर बताएंगे तो पहली दूसरी तीसरी लोभ की। ये कृष्टि करने के काल में ये नंबरिंग है, कृष्टि का उदय होगा तो नंबर उल्टा रहेगा। अभी तो हम पहली किसको कह रहे हैं, नीचे की वो पहली जो जघन्य, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर माया की पहली दूसरी तीसरी, फिर मान की पहली दूसरी तीसरी, क्रोध की पहली दूसरी तीसरी। यानी लोभ की पहली संग्रह कृष्टि में सबसे हीन अनुभाग है और क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि तीसरी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक बात हुई अपनी, तो इसको कहेंगे ये कृष्टि का करने वाला है, कृष्टि कारक। ये जो संग्रह कृष्टि बनी वो सब द्वितीय स्थिति में बनी, जो पहले पूर्व अपूर्व स्पर्धक थे वो सब नष्ट होकर अभी सब किस रूप में विद्यमान है, कृष्टि रूप से। कृष्टि करते समय कृष्टियों का उदय नहीं था, पूर्व अपूर्व स्पर्धकों का ही उदय था। अब कृष्टि करने का कार्य पूरा हुआ, अभी तक तो उदय पूर्व अपूर्व जो कुछ स्पर्धक उस रूप चल रहा था, अब उसकी उच्चिष्टावली बाकी रहेगी। अब जो कृष्टि की है ना उसका उदय होगा। जैसे हमने उपशम श्रेणी में क्या देखा था, क्रम से क्रोध का उदय, फिर उसकी उच्चिष्टावली आए, फिर मान का उदय चला, उसकी आवली रही, उसके बाद माया के परमाणु आए। अब यहाँ क्या करना है,
अभी हर एक की तीन तीन संग्रह कृष्टि है। लोक की टॉप मोस्ट कृष्टि है वो सबसे पहले नीचे आएगी, उसकी रचना हो जाएगी यानी उसका उदय चलेगा। अभी उसको हम जब वेद यानी कृष्टि का वेदक है यानी कृष्टियों का उदय चलेगा तो अभी क्रोध की सबसे ऊपर है उसको कहेंगे क्रोध की पहली। जब कृष्टि की रचना हुई थी तो हम नीचे से पहला दूसरा तीसरा कहते थे, अब जब उदय का समय आया तो हम अभी पहला किसको कहेंगे, ऊपर वाला जो सबसे अधिक अनुभाग वाला है यानी क्रोध के पहले संग्रह कृष्टि का उदय शुरू हो जाएगा। उदय कैसे होगा कि द्वितीय स्थिति के परमाणु अंतर को लांग कर नीचे उसकी रचना होगी अंतर्मूर्त प्रमाण और उसका उदय चालू हो जाएगा। और पहले वो उच्चिष्टावली एक एक करके हाँ उसमें कृष्टि रूप से होकर उदय में आ जाएगी। तो ये कृष्टि को इसका वेदन अधिकार कहते, देखो हम यहाँ देखेंगे कृष्टि वेदक अधिकार कहते हैं इसको 360 पृष्ठ पर। कल हमने 510 की टीका में देखा था, देखो कृष्टि करने वाला उस काल में पूर्व अपूर्व स्पर्धकों के ही उदय को नियम से भोगता है, ये कल पढ़ी थी हमने बात, यानी वो मात्र कृष्टि को करने वाला है उसका उदय अब नहीं होता है, अब जाके उसका उदय होगा। यही बात अभी अब कृष्टि वेदनाधिकार कहते हैं 511 की टीका हम देखेंगे 361 पृष्ठ पर। अब जो 12 संग्रह कृष्टि बनी थी क्रम से एक एक संग्रह कृष्टि का उदय होगा। अब कहेंगे क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि का उदय, पहली यानी टॉप मोस्ट, यहाँ पढ़ेंगे हम कृष्टिकरण काल के अनंतर अपने कृष्टि वेदक काल में कृष्टियों के उदय को अनुभवता है, जिसका उदय है उसको अनुभवता है ऐसा कथन आता है। द्वितीय स्थिति के निषेकों में स्थित कृष्टियों को प्रथम स्थिति के निषेकों में प्राप्त करके भोगता है, उसकी अंतर्मूर्त प्रमाण रचना हो जाएगी, उस भोगने का ही नाम वेदना है। जैसे हम वेदक किसको कहेंगे, जिसका उदय है उसका वेदक कहते हैं, यहाँ पर भी कृष्टि का वेदक कहेंगे उसको। उस काल के प्रथम समय में चार संज्वलन रूप मोह का स्थितिबंध 4 मास है और स्थिति सत्व 8 वर्ष मात्र है। पहले समय की बात है, कृष्टि के वेदना का पहला समय, पहले अंतर्मूर्त अधिक थे वे अंतर्मूर्त घटकर इतने रहे, अवशेष कर्मों का स्थितिबंध और स्थिति सत्व यद्यपि घटता हुआ है तथापि आलाप द्वारा इन्हें कथन में तो ऐसा ही आएगा कि जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर जानना। हाँ, पहले कृष्टि बनने का कार्य पूर्ण हो जाता है बाय दैट टाइम यानी उसी समय में, नीचे जो क्रोध के अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति पहले अंतर के नीचे की थी उसका उदय आते 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 वो तो अंतर्मूर्त प्रमाण, क्योंकि उसका पहले अपूर्व स्पर्धक भी बने थे वो भी आगाल से नीचे आए थे हमने देखा था और उसका भी उदय चल रहा था। अभी उसका उदय घटते 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 एक आवली रहेगा, अब उसका उदय नहीं होगा, अब जो कृष्टि बनी है वो अंतर को लांग कर उसकी रचना होगी, प्रथम स्थिति बनेगी और उसका उदय चलेगा। और द्वितीय स्थिति में उस कृष्टि का क्या होगा आप देखेंगे हम। हाँ, यानी अपूर्व स्पर्धक करते समय पूर्व अपूर्व दोनों स्पर्धकों का उदय चलता है क्योंकि दोनों ही स्पर्धक रूप से है, परंतु जब कृष्टि करने का कार्य हो रहा था तब कृष्टियों को नहीं भोग रहा था, उसका उदय नहीं था, पूरा कार्य होने पर बाद में उसका उदय होगा। हाँ हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है कि अपूर्व स्पर्धक तो सभी के बने और कृष्टि भी सभी में बनी, कहाँ बनी, द्वितीय स्थिति में, तो उसका क्या हो रहा है, उसका उदय कब आएगा,
तो उदय पहले क्रोध का होगा, क्रोध की पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी संग्रह पृष्टि, वो फिर क्रोध की क्षपणा हो जाएगी इतने काल में, क्षपणा हो जाएगी नहीं, वो द्वितीय स्थिति में जो स्थित है वो सारा मान रूप हो जाएगा, फिर जाके मान की पृष्टि नीचे आएगी, पहली, दूसरी, फिर तीसरी। हम उपशम श्रेणी में तो पूरा का पूरा क्रोध नीचे आता था, अभी उसकी कृष्टि होकर वो एक एक नीचे आ रहा है, तब तक वो पड़ा रहेगा द्वितीय स्थिति में। हाँ, जब तक क्रोध का उदय है तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों का बंद हो रहा है, और जब क्रोध की क्षपणा पूरी हो जाएगी, उसका उदय मिटेगा, मान का शुरू हो जाएगा, तो मान, माया और लोभ तीन का ही बंद होगा। ये क्रम से बातें आएगी अभी, अभी तो क्रोध की कृष्टि में से पहली संग्रह कृष्टि नीचे आई है, पूरी नहीं आती, उसमें से कुछ परमाणु नीचे आए, बाकी तो सारे संक्रमित हो गए। अभी कौन किस में संक्रमित होगा उसकी बात करेंगे, संक्रमण तो यहाँ पर भी चल रहा है अब, परंतु अभी तीन तीन संग्रह कृष्टि है हरेक की, अब किसका द्रव्य किस में जा रहा है उसकी बात बताएंगे। अभी तो कृष्टि वेदना का अधिकार यहाँ शुरू हो जाता है। देखो 512 की टीका, यहाँ अनुभाग बंध तो प्रशस्त प्रकृतियों में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत रूप यथासंभव उत्कृष्ट है। अनुभाग सत्व तो क्रोध की उच्चिष्टावली का तो सर्वघाती है। क्या कहते हैं, जो उच्चिष्टावली शेष रहेगी, जो उदय में नहीं आने वाली है, वो किस रूप से थी, तो पूर्व स्पर्धक रूप से थी, तो उसमें तो सर्वघाती, देशघाती पड़े हुए थे। अभी किस रूप से उदय में आएंगे, कृष्टि रूप से उदय में आएंगे, उसमें कोई सर्वघाती रूप से नहीं रहेंगे। सर्वघाती यानी वो बहुत हीन अनुभाग वाले थे, परंतु सर्वघाती टाइप के थे। देखो यहाँ आगे लिखा है, किस कारण, तो समय कम आवली प्रमाण, क्रोध के जो निषेध उदयावली को प्राप्त हुए हैं, जिसको हम अभी उच्चिष्टावली कहेंगे, उनमें पूर्व स्पर्धरूप अनुभाग सत्व लता दारू समान शक्ति युक्त है। लता और दारू समान है, उसमें अस्थि और शैल वाले सर्वघाती नहीं है, परंतु दारू में जो बहुभाग वाले जो सर्वघाती है वैसे इसमें पड़े थे, ऐसी शक्ति की अपेक्षा सर्वघाती कहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एक एक निषेक, उच्चिष्टावली का एक एक निषेक कृष्टि रूप होकर उदय में आएगा। अभी आगे की बात छोड़ देते हैं, हम 362 पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पर पाँच सौ तेरह की टीका देखो, कृष्टि का कारक तो लोभ से लेकर क्रमयुक्त है और कृष्टि वेदक है वह क्रोध से लेकर क्रमयुक्त है। क्योंकि कृष्टि कारक में हमने सबसे हीन अनुभाग वाला लोभ देखा था, वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर लिखा था, यानी कृष्टि करने वाले में कृष्टियों का, यानी संग्रह कृष्टियों का जो नंबरिंग किया था तो लोभ से शुरू किया था, लोभ का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर माया का पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से क्रोध के तीसरे तक नंबरिंग किया था हमने। अब कृष्टि वेदक में क्या कहेंगे, क्रोध से लेकर लोभ तक, यानी क्रोध की जो तीसरे नंबर की थी उसको हम क्रोध की पहली कहेंगे, फिर ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, फिर माया की पहली, दूसरी, मान की पहली, दूसरी, तीसरी, माया की पहली, दूसरी, तीसरी और लोभ की पहली, दूसरी, तीसरी संग्रह कृष्टि कहेंगे। अभी उल्टा कथन करेंगे हम, उसी का भावार्थ, कृष्टिकरण में तो पहले लोभ की, पश्चात माया की, पश्चात मान की, पश्चात क्रोध की, ऐसे क्रम सहित कृष्टि कही थी, की थी नहीं कहा, कही थी, कथन में वैसा क्रम लिया था। यहाँ कृष्टि के वेदने में यानी उदय रूप होने में पहले क्रोध की, पश्चात मान की, पश्चात माया की, पश्चात लोभ की कृष्टियों का अनुभवन होता है, यानी क्रम से उनका उदय होता है। पुनश्च इतना जानना कि कृष्टिकरण में यानी जब कृष्टि की जाती थी तब जिसको तृतीय संग्रह कृष्टि कही है उसी को यहाँ कृष्टि वेदन में प्रथम संग्रह कृष्टि कहना, जिसको वहाँ प्रथम संग्रह कृष्टि कही उसको यहाँ तृतीय संग्रह कृष्टि कहना। द्वितीय का नाम क्यों नहीं लिया,
वो द्वितीय तो द्वितीय रहने वाली है। नीचे से पहला दूसरा नंबर कहो, ऊपर से पहला नंबर दूसरा नंबर कहो, दूसरा तो दूसरे पर ही रहेगा, है ना। यदि ऐसा न हो तो, यदि नीचे के पहले का उदय पहले आ जाएगा तो क्या दोष होगा कि पहले कम अनुभाग और बाद में अधिक अनुभाग का उदय को भोगना पड़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना काल बीतेगा उतनी तो विशुद्धि बढ़ रही है। तो शुरू में अधिक अनुभाग युक्त का उदय होगा, बाद में जघन्य की तरफ चला जाएगा वो। ऐसा न हो तो पहले अल्प शक्ति युक्त कृष्टियों का अनुभवन होकर पश्चात बहुत शक्ति युक्त कृष्टियों का अनुभव होगा, वह तो बनता नहीं, क्योंकि प्रति समय अनंत गुना घटते अनुभाग का उदय होता है। यानी सत्ता का अनुभाग भी कम हो ही रहा है, बंध भी और उदय भी, प्रति समय उसका अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है। इसलिए संग्रह कृष्टियों में कृष्टि कारक से कृष्टि वेदक के उल्टा क्रम जानना, ये बात ख्याल में आती है। जब कृष्टि करने का कार्य किया था तो हमने नीचे से पहला दूसरा तीसरा नंबर लगाया था, फिर लोभ, फिर माया, फिर मान और फिर क्रोध। अब कृष्टि वेदक में क्रोध से नंबरिंग होगा और ऊपर के कृष्टि को हम पहला नंबर देंगे, संग्रह कृष्टि को पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से। अब कहते हैं कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से, यानी जो प्रथम संग्रह कृष्टि बनाई थी उनके परमाणु अंतर को लांग कर नीचे आएंगे और उसकी प्रथम स्थिति बनेगी, वहाँ निषेक रचना तैयार होगी। क्योंकि नीचे प्रथम स्थिति में क्या बचा था? एक आवली प्रमाण पूर्व स्पर्धक, अभी उनका उदय नहीं होने वाला है। तो अभी उदय तो किसका होगा? अब जो कृष्टि बनी थी उसके परमाणु अंतर को लांग कर वहाँ निषेक रचना तैयार होगी, अंतर्मूर्त प्रमाण, उसमें गुण श्रेणी वगैरह सब उस प्रकार से दिया जाएगा और उसका उदय शुरू हो जाएगा। तो कहते क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से क्रोध की प्रथम स्थिति करता है, यानी अब भी क्रोध का ही उदय चल रहा है। शुरुआत में पूर्व स्पर्धक रूप से, फिर पूर्व अपूर्व स्पर्धक से उदय था उस रूप से, अब कृष्टि रूप से उदय होगा, यानी अब भी क्रोध का ही उदय चल रहा है। यानी वहाँ किस रूप से दिया जाता है? तो कहते हैं वो नीचे दिया जाएगा उदयावली में, फिर गुण श्रेणी में, फिर बचा हुआ ऊपर भी उपरीतन स्थिति में दिया जाएगा। उसके गणित में हम नहीं उलझेंगे। यहाँ एक बात मुख्य होती है 364 पृष्ठ पर, मात्र मोहनी के, सत्ता के सभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अन्य सात कर्मों की सत्ता है। मोहनी के कहेंगे और वो भी संज्वलन चार, क्योंकि अन्य कुछ मोहनी यहाँ बचा नहीं है। अभी क्षपणा का सारा, ये नहीं क्षपणा की बात है ना यहाँ पर, तो पहले अन्य सभी संक्रमित होकर नष्ट हो चुके हैं, अभी सत्ता मात्र संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की है, उसी में कृष्टिकरण हुआ है। सभी यानी संज्वलन चार, चारों की हुई है कृष्टि, तो चारों में बनी है। क्रोध से चढ़ने वाले के चारों की कृष्टि बनती है, मान से चढ़ने वाले के पहले पूर्व और पूर्व स्पर्धक रूप से ही क्रोध का नाश हो जाता है और बाद में कृष्टि बनती है, उसकी बात हम बाद में कहेंगे। तो यहाँ कृष्टि वेदक के काल में और क्या होता है, देखिए 364 पृष्ठ पर जो ऊपर का पैराग्राफ है उसके नीचे से चौथी लाइन, यहाँ मोह का अपवर्तन घात होता है। क्या लिखा है? कांडक घात होता था। तो अनुभाग का कांडक घात होने के लिए कितना समय लगता था? तो एक अंतर्मूर्त लगता था। कांडक रूप से ग्रहण किया, उसमें से कुछ परमाणु का अनुभाग घटते घटते अंतर्मूर्त के बाद वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु नीचे आकर उसका अनुभाग घटेगा। यहाँ क्या विशेषता होती है देखो, यहाँ आगे लिखा है, इससे पहले अश्वकर्ण रूप अनुभाग का अंतर्मूर्त में संपूर्ण हो ऐसा कांडक घात होता था, क्योंकि अश्वकर्ण किया
तब अपूर्व स्पर्धक भी किए। हमने देखे ना क्रोध के जो वहाँ कांडक घात तो चल रहा था, एक कांडक घात में ही अश्वकर्ण हुआ, उसके बाद कितने एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनुभाग कांडक घात होते ही गए, तब भी उसके लिए एक एक अंतर्मूर्त लगता था। तो कहते एक अंतर्मूर्त में संपूर्ण हो ऐसा कांडक घात होता था। अब यानी इस पॉइंट पर आकर संज्वलन की 12 संग्रह कृष्टियों का प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुभाग होने से अपवर्तन घात वर्तता है, यानी प्रति समय ये घटना होगा। अब इस 12 संग्रह कृष्टि रूप से विद्यमान है सभी परमाणु, यानी उनका अनुभाग ऑलरेडी स्पर्धक रूप से अपूर्व स्पर्धक हुआ और अभी कृष्टि रूप से विद्यमान है, फिर भी यहाँ प्रति समय अनुभाग का घात होगा, यानी उत्कृष्ट अनुभाग घट जाएगा। इन चार संज्वलनों की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये बात लब्धिसार भूमिका में भी समझाई थी, अपवर्तन घात किसको होता है, यानी किसको कहते हैं, यानी ये प्रति समय ये जो अनुभाग का घटना है ना, उसी को कहेंगे अपवर्तन घात। हाँ, ये पेज नंबर 28। पहले तो अनुभाग कांडक घात होता था, ये पेज नंबर 27 से मैं आपको बताऊंगी। फिर देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, वहां से बिल्कुल बेसिक बात से फिर हम पढ़ेंगे। सत्तारूप विवक्षित कर्म प्रकृति के परमाणुओं में अनुभाग की हीनाधिकता से स्पर्धक रचना होती है, उसका विधान पहले कहा है। हमने भी पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बात देखी थी, वहाँ नीचे के स्पर्धक अल्प अनुभाग युक्त है, ऊपर के स्पर्धक बहुत अनुभाग युक्त है, जिसको हमने नीचे के जघन्य कहे, ऊपर के उत्कृष्ट कहे। वहाँ जो निषेय उदय में आता है उसके अनुभाग का भी पूर्वोक्त प्रकार से उदय होता है। दर्शन चारित्र लब्धि से, ये मुख्य बात है। दर्शन चारित्र लब्धि का अर्थ क्या है? दर्शन लब्धि यानी सम्यक दर्शन, और चारित्र लब्धि यानी वो, यानी अधिक स्थिरता वाला वो चारित्र। चारित्र कहने से देश चारित्र और सकल चारित्र की बात है। अब यहाँ तो श्रेणी की बात हो रही है, वहाँ तो बिल्कुल भूमिका यानी इन जनरल बात वहाँ बता रहे हैं। तो दर्शन और चारित्र लब्धि से अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का घटाना होता है। वहाँ जैसे स्थिति घटाने में कांडक विधान कहा, स्थिति कांडक का विधान तो हमने देख लिया है, ऊपर की स्थिति कट डाउन होती है और उसके सारे निषेक नीचे आकर मिलते हैं, नीचे यानी नीचे की स्थिति में। जब अनुभाग में हम नीचे कहेंगे तो नीचे यानी वो जघन्य की तरफ चले जाते हैं, नीचे यानी वहाँ स्थिति का घटना नहीं समझना, वैसे यहाँ पर भी वो कहेंगे। बहुत अनुभाग युक्त ऊपर के बहुत स्पर्धकों का अभाव करके उनके परमाणुओं को अल्प अनुभाग युक्त नीचे के स्पर्धकों में क्रम से मिलाकर अनुभाग घटाने का नाम अनुभाग कांडक या अनुभाग खंड है। ये तो हमने बहुत बार देखी थी अनुभाग कांडक घात क्या होता है, उसको लांछित करना यानी खंडन करना वह अनुभाग खंडकोत्करण है। एक अनुभाग कांडक का घात अंतर्मूर्त काल में संपूर्ण होता है, उस काल का नाम अनुभाग कांडकोत्करण काल है, या अनुभाग कांडक घात काल कहेंगे। अभी यहाँ छोड़ देते हैं, वो दृष्टांत भी छोड़ देते हैं। अब उसके नीचे का यानी 28 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार एक कांडक समाप्त होने पर अन्य कांडक का प्रारंभ होता है। हमने देखा था एक कांडक घात हुआ, फिर दूसरी इमीजिएट दूसरा शुरू होता है, फिर इमीजिएट तीसरा शुरू होता है, ऐसे हजारों हजारों होते हैं एक स्थिति बंधा एक बंधापसरण या स्थिति कांडक के काल में। ऐसे अनेक अनुभाग कांडकों द्वारा अनुभाग घटाते हैं, जहाँ विशुद्धता बहुत होती है। ये अपना विषय यहाँ बता रहे हैं
कि इससे भी अधिक विशुद्धता होती है जब अभी कृष्टि के वेदन करने में होगी, वहाँ अंतर्मूर्त में होने वाले कांडक घात का अभाव होता है और अनुसमयापवर्तन होता है। अनु यानी प्रति, समय अपवर्तन यानी घटना होता है। वहाँ समय समय प्रति यानी प्रत्येक समय में अनंत गुणा क्रम से अनुभाग घटाते हैं, यानी पूर्व समय में जितना अनुभाग था उसको अनंत का भाग देकर बहुभाग का नाश करके एक भाग मात्र अनुभाग अवशेष रखते हैं। ये कार्य कितने समय में होता है? तो एक समय में। पहले कितने समय लगते थे? तो अंतर्मूर्त लगते थे। इसको कहेंगे अनुसमयापवर्तन। यही बात यहाँ 364 पृष्ठ पर अभी हमने देखी थी कि यहाँ मोह का अपवर्तन घात होता है, यानी अधिक अनुभाग वाले कृष्टियों का घात होगा। हमने देखा ना, एक एक संग्रह कृष्टि ऊपर पड़ी है सारे, एक एक संग्रह कृष्टि में अनंत अनंत कृष्टियाँ पड़ी है। ऊपर के अधिक अनुभाग वाले कितने कृष्टियों का एक ही समय में घात होगा, फिर ऊपर की कृष्टियों का फिर दूसरे समय में घात होगा, फिर तीसरे समय में ऊपर के अनेक कृष्टियों का घात होगा। ऐसे ऊपर की कृष्टियों का घात होता ही रहेगा। इसको कहेंगे अनुसमयापवर्तन। घात होकर क्या होगा? वो नीचे की कृष्टि समान हो जाएगी परमाणु, और जो ऑलरेडी संग्रह कृष्टि बनी उसके नीचे और वहाँ कुछ अन्य भी हीन अनुभाग वाली कृष्टियाँ और तैयार हो जाएगी। अब यहाँ देखते आगे अपना विषय चलेगा। अब यहाँ उदय कैसा होता है उसकी बात यहाँ कुछ कुछ थोड़ी बताई है। यानी यहाँ उदय प्रति समय घटता जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत विस्तार से बताया है। हमने देखा था कि एक एक निषेक में, अभी तो कृष्टि रूप से है, स्पर्धक तो नष्ट हो गए, यानी ये उत्कृष्ट कृष्टि और ये जघन्य कृष्टि, बहुत सारी अनंत कृष्टियाँ हैं, तो उसमें किस रूप उदय चलेगा? तो ऊपर के कुछ जो है उस रूप नहीं होगा, अत्यंत हीन है उस रूप भी नहीं होगा, तो बीच वाला है कृष्टि रूप, वैसा उसका उदय होगा। यानी उसमें बंद रूप कैसे कृष्टियाँ होती है, बंद भी हीन हीन की तरफ चला जाता है और उदय भी हीन हीन की तरफ चला जाता है। यही यहाँ टेबल लेके समझाए हैं, उसकी बात हम छोड़ देंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी बीच की कृष्टि जो है ना वैसे बंद होता है, नया बंद, और उदय भी उससे हीन हो जाता है, फिर और नया बंद होने वाला उससे हीन अनुभाग वाला होता है, उससे वहाँ का उदय उससे भी हीन अनुभाग वाला होता है। यानी बंद से उदयहीन और उदय से नेक्स्ट समय का बंदहीन, पर उससे समय उसका उदय और हीन होता है, उसके नेक्स्ट समय का बंद और हीन होता है। इस तरह से बंद भी और उदय भी अनंत गुणा हीन 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 होते चला जाता है। अब यहाँ कुछ विशेष अभी तक हमने घात देखा, प्रति समय ऊपर के अनंत अनुभाग युक्त कृष्टियों का घात होता है प्रति समय में, इसको कहेंगे घात द्रव्य। घात द्रव्य ने कृष्टियों का घात, पहले हमने कैसे देखा था, अपकर्षण भी होता है और अनुभाग कांडक भी होता है या स्थिति कांडक भी होता है, तो कांडकों में उसका घात होता था। अभी उसका नाम कांडक नहीं देंगे, प्रति समय में घात होता है, तो घात होता है तो उसके परमाणु नीचे के स्पर्धकों जैसे हो, अभी कृष्टियों जैसे हो जाए, अभी हम उसको स्पर्धक नहीं कहेंगे, अभी कृष्टि कहेंगे, तो नीचे के कृष्टि जैसे उनका अनुभाग बन जाता है, इसलिए कहेंगे ऊपर का घात होता है और वे परमाणु नीचे आकर मिल जाते हैं। अब यहाँ संक्रमण भी हो रहा है, संक्रमण तो चलेगा ना, अभी कौन सा संक्रमण किस में होगा? पहले तो एक बार ऑर्डर थी कि क्रोध का मान में, मान के माया में, माया का लोभ में, इतना ही था। अब हमारे पास हर एक के तीन तीन संग्रह कृष्टि है, तो क्रोध के पहले संग्रह कृष्टि का द्रव्य कहाँ जा सकता है? तो क्रोध की दूसरी में, क्रोध की तीसरी में और मान की पहली में। यानी अभी ऐसा नियम है, स्वस्थान यानी क्रोध का द्रव्य क्रोध में ही दिया जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा? तो अपने तीसरी तक जाएगा, और परस्थान यानी नीचे दूसरे कषाय में दिया जाएगा तो मात्र पहली संग्रह कुष्ठी में जाएगा। दोबारा
क्रोध के पहले संग्रह कृष्टि का द्रव्य कहाँ कहाँ जाएगा? दूसरे में और तीसरे में। ये क्रोध की तीन है, यहाँ का द्रव्य क्रोध की दूसरे में जाएगा, क्रोध की तीसरी में जाएगा और नीचे मान की पहली में ही जाएगा, मान की दूसरी तीसरे में नहीं जाएगा। क्रोध के दूसरे संग्रह कृष्टि का द्रव्य कहाँ जाएगा? क्रोध की तीसरे में जाएगा या मान की पहली में जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य मान की पहली में ही जाएगा और आगे नहीं जाएगा। उसका अर्थ ये जो संक्रमण होता है, 12 संग्रह कृष्टि है अपने पास, तो किसका संक्रमण किस में होगा? तो अपने अपने में होगा, तो अपने तीसरे तक होगा, और नेक्स्ट वाले आगे वाले उसमें अगर संक्रमण होगा तो उसके पहली कृष्टि में चला जाएगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे जरा कि अब संक्रमण द्रव्य का विभाग कहते हैं, पेज नंबर 370 522 गाथा की टीका पढ़ेंगे, 371 पृष्ठ पर। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बंध भी चल रहा है, कृष्टि रूप से हो रहा है। कृष्टि रूप से उदय होगा तो प्रथम संग्रह कृष्टि का जितना अनुभाग आए उतना यहाँ बंध भी चल रहा है, यानी एट ए टाइम यहाँ क्या क्या बात हो रही है, नया बंध हो रहा है। उदय तो पुराने का चल ही रहा है, जिस संग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति रचना हुई थी उसका उदय चल रहा है, यानी उदय एकमात्र क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि का चल रहा है। बंध किसका चल रहा है? बंध मिटा कब है? अभी बंध कहाँ मिटा है? बंध तो अंतिम समय तक चलेगा, कौन से? नवे गुणस्थान के अंत तक बंध है। अभी तो क्रोध का उदय है तो क्रोध मान माया लोग चारों बंद रहे, नहीं नहीं उनकी कहना है स्थिति जघन्य कर दी। जघन्य कहाँ की? अभी तो 8 वर्ष की। हाँ फिर भी वो बादर है, अभी सूक्ष्म नहीं हुआ है। सूक्ष्म लोभ तो 10वें में है, 9वें के अंत तक बंद है। ख्याल में आती है बात? और उसमें उतना कम अनुभाग वाला बंधेगा, परंतु बंध तो है तो सही। बंध रुक कहाँ गया? अभी बंध नहीं रुका है, नया बंध भी हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं, यानी यहाँ क्या क्या हो रहे हैं प्रोसेस हम देख रहे थे। ऊपर द्वितीय स्थिति में 12 संग्रह कृष्टि होकर पड़ी है, उसमें से अभी क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि का उदय होगा क्योंकि उसकी रचना हुई है, उसका उदय भी चालू हो जाएगा। सभी में अपना अपना घात भी हो रहा है कृष्टियों का, जो टॉप मोस्ट जो अधिक अनुभाग वाली कृष्टि है उनका घात होकर उन्हीं संग्रह कृष्टियों में कम अनुभाग जैसे उनकी रचना हो जाएगी, कृष्टियों में अन्य कृष्टियों में मिल जाएंगे, ये कार्य भी चल रहा है। उसी समय संक्रमण भी हो रहा है, संक्रमण हो रहा है ना, अभी जो मैंने बताया क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में से क्रोध की दूसरी में, पहली से तीसरी में और पहली से मान की पहली में, यानी क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में से कहाँ कहाँ द्रव्य चला जाएगा? तो अपने नीचे 2 में और मान की पहली में। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में ऊपर से कहाँ से द्रव्य आएगा? कहाँ से आने वाला? कुछ नहीं, वही पहला ऊपर है सब, यानी उसमें से नीचे जाएगा, उसमें ऊपर से नहीं आएगा, यानी उसमें संक्रमण द्रव्य आने वाला द्रव्य नहीं है, जाने वाला है। इसको हम आगे चलकर आय और व्यय कहेंगे। आप वो टैक्स के करते हैं ना, वो क्या करते हैं? हाँ वो आएगा ना उसमें, वो बंध का द्रव्य बहुत कम है, वो आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो बंध द्रव्य से भी वहाँ कृष्टियाँ बनेगी कुछ, इन बिटवीन जो अनंत अंतर कृष्टियाँ है, बंध द्रव्य से भी थोड़ी कुछ कृष्टियाँ बनेगी, और ये जो संक्रमण कृष्टि नीचे आगे आगे चलती जाती है उससे भी वहाँ की कृष्टि बनेगी, क्योंकि जाता है ने क्या करता है, वहाँ की कृष्टियों में जा मिलता है। तो यहाँ लिखा है आय द्रव्य और व्यय द्रव्य, उसका हिसाब तो बाद में लगाएंगे, परंतु क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में आय द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वही अभी संक्रमित होकर आगे जाएगा, उसमें से तो व्यय ही होगा, उसमें से व्यय होकर कहाँ चला जाएगा? क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि में, क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि में
और मान की पहली संग्रह कृष्टि में। यहाँ तक बात ख्याल में? अब क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि में कुछ माल मिलेगा कि नहीं, आय होगी कि नहीं उसको? पहले से दूसरे में आता है वो दूसरे का आय है, इनकम है, और दूसरे से तीसरे में जाता है और मान की पहली में जाता है वो उसका व्यय है। यानी दूसरे संग्रह कृष्टि में आय भी है और व्यय भी है। आय कहाँ से? पहले देखो, ये दूसरी संग्रह कृष्टि है क्रोध की, और ये पहली है, और ये तीसरी है, और यह नीचे मान की है। दूसरे के लिए पहली में से यहाँ आएगा वो आय द्रव्य, और इसमें से दूसरी और तीसरी में भी जाएगा वो है उसका व्यय द्रव्य। अब क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि के लिए आय कहाँ कहाँ से होगा? पहले से डायरेक्ट तीसरी में, दूसरे से डायरेक्ट तीसरी में, ये उसका हुआ आय द्रव्य। और व्यय कहाँ चला जाएगा? मान की पहली में, बस इतना ही। अब मान की पहली में आय द्रव्य कहाँ से आएगा? क्रोध की तीनों में से आएगा। और व्यय कहाँ होगा? मान की दूसरी, मान की तीसरी, माया की पहली। कितना आसान है ना? हाँ, हर एक में हमने आय कहाँ से होती है, उसके ऊपर से वहाँ से आय होगी। अब माया में क्रोध से कुछ नहीं आने वाला है, और माया के या मान के दूसरे में भी कहाँ से आएगा? मान की पहली से ही आएगा, क्रोध से कुछ नहीं आया है। तो जो मान की दूसरी संग्रह कृष्टि है उसमें मान के पहली से ही उसमें द्रव्य आएगा, और उसका द्रव्य कहाँ कहाँ जाएगा? मान की दूसरी में से मान की तीसरी में, और मान की दूसरी में माया के पहली में। यानी इसको कहते स्वस्थान और परस्थान। स्वस्थान यानी अपने ही कषाय में देना है तो तीसरी संग्रह कृष्टि तक देना, और परस्थान यानी नीचे वाली दूसरे कषाय में देना है तो उसके पहली संग्रह कृष्टि में देना, उसके आगे नहीं देना। इस तरह इसका आय और व्यय द्रव्य का हिसाब हम लगाएंगे। देखो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। 371 पृष्ठ में संग्रह कृष्टि का द्रव्य विवक्षित यानी पर्टिकुलर स्वकीय कषाय के नीचे के कषाय की प्रथम संग्रह कृष्टि तक संक्रमण करता है। तक लिया यानी क्या है? क्रोध का जो संक्रमण है कहाँ तक होगा? उसके नीचे की मान कषाय है उसके पहले संग्रह कृष्टि तक। तक का अर्थ है उसके आगे नहीं जाएगा, उसके पहले अपने कषाय में दिया जाएगा। स्वकीय यानी अपनी जो कषाय की तीसरी तक, यानी तीसरी तक, दूसरी में, तीसरी में, और मान की पहली में, यानी वहाँ तक ही जाएगा। मान का द्रव्य कहाँ तक जाएगा? माया की पहली तक जाएगा। तक यानी उसके पहले सर्व जाए, जैसे हमने यहाँ देखा था। अब इसका भावार्थ और जो उसकी विशेषताएं हैं उसको अभी हम बाद में देखेंगे, अपना समय हो चुका है अभी। बोलो 2400 भगवान की।